हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो आज बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी आसान है और बहुत ही कम समय में हो गया है। और इसका पहले फोटो देख लीजिए, इसका ओरिजिनल फोटो ये वाला है जो देख सकते हैं आप, और इसका एडिट करके इस तरफ मैं कर दिया हूँ। तो दिखाने वाला है आप किस तरह किया हूँ मैं इस फोटो को। ये जो पहले का फोटो है, इस फोटो को मैं लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करूँगा। तो यहाँ से मैं शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो हमारा शेयर हो चुका है और देख सकते हैं ऊपर स्क्रॉल करके शेयर हो रहा है, और यहाँ से नोटिफिकेशन देगा, उस पर क्लिक करके मैं जा सकता हूँ अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो थोड़ा लोडिंग दे रहा है अभी, और आ गया इंटरफेस। आप देख सकते हैं हम लोग फोटो इसमें ऐड हो चुका है। और एक प्रीसेट आपको दूंगा मैं, जो कि आप लोग इसलिए प्रीसेट, मैं आप लोग को हर एक प्रीसेट बना देता हूँ कि आप लोग ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि आप लोग आसानी है फोटो एडिट करने के लिए। इसीलिए मैं आप लोग को एक प्रीसेट दूंगा, जो आप लोग सामने यहाँ दिख रहा है एक प्रीसेट, यहाँ ये वाला। इस प्रीसेट को आप लोग क्लिक कीजिएगा इस पर, और थोड़ा लोडिंग दे रहा है। और ऊपर सामने आप लोग को थ्री डॉट मिलेगा, यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके, और यहाँ कॉपी सेटिंग आपको दिख जाएगा। कॉपी सेटिंग कर लेंगे और वहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद बैक आएंगे और फिर से अपने ओरिजिनल फोटो, जो पहले फोटो है सिंपल एडिटिंग वाला, जो एडिटिंग नहीं किया, उस पर क्लिक करेंगे, जो अभी लोड ले रहा है थोड़ा। और इस पर ऊपर देखिए थ्री डॉट दिख रहा है, वहाँ क्लिक करेंगे थ्री डॉट पर, और यहाँ पेस्ट सेटिंग दिख रहा है, पेस्ट सेटिंग कर देंगे। देखिए फोटो किस तरह हो गया है, पहले फोटो किस तरह था और इस समय फोटो किस तरह हो गया है, तो फिर करूँगा। ठीक है, पहले आपको स्मूथ करना सिखा दूँ। तो मैं सिंपली इसको स्मूथ करने के लिए स्केच बुक में शेयर कर दे रहा हूँ। ये रहा मेरा स्केच बुक, इस पर शेयर कर रहा हूँ। देखिए मेरा फाइनली इसमें स्केच बुक में शेयर हो गया है। और यहाँ एक ब्रश यूज़ करूँगा, जो कि आप सभी जानते ही होंगे, ये वाला ब्रश है जो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इस वाले ब्रश को, ये वाला ब्रश, इस ब्रश यूज़ करूँगा। और इसका साइज़ आप लोग देख सकते हैं, साइज अपने हिसाब से रख लीजिएगा। फालो 30 है और स्ट्रेट 6 है। इस करने के बाद फोटो को जूम करेंगे और अपने हिसाब से साइज रख करके स्मूथ करेंगे। और हाँ, स्मूथ अपना राउंड राउंड कीजिएगा थोड़ा। अगर आप लोग का इस तरह स्मूथ नहीं हो रहा है, आपको अगर स्मूथ करने में दिक्कत हो रहा है, तो अपने स्मूथ करते समय अपने हाथ को राउंड राउंड में चलाएंगे, राउंड मतलब गोले गोले आकार में चलाएंगे, तो आपका फोटो कुछ अच्छा एडिट हो सकता है। तो देखिए मैं स्मूथ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप आराम से कीजिएगा। मान लीजिए वीडियो बना रहा हूँ, आप आराम से कीजिएगा फोटो एडिटिंग। इसके चुक में जितना ही अपने टाइम देंगे, जितना ही धीरे धीरे स्मूथ करेंगे अच्छे से, उतना ही अच्छा से स्मूथ हो जाएगा। देखिए किस तरह स्मूथ हो रहा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, मैं अब इस आपको स्मूथ करके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। स्मूथ करने के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं आपको एक बार स्मूथ कर दिखा रहा हूँ। फाइनली दोस्त, देख सकते हैं आप, मैंने स्मूथ कर लिया। दोस्तों आप लोग, मैं स्मूथ करना इसलिए मैं दिखा रहा था कि क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लगभग आधे घंटे में केवल स्मूथ करता हूँ, आधे घंटे 25 मिनट केवल स्मूथ करता हूँ, और इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैंने पॉज कर दिया वीडियो। आप लोग और स्मूथ करना सीखना हो तो, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, और नहीं, अगर नहीं जानते हैं, अगर सीखना हो तो कमेंट कीजिएगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा केवल स्मूथ के लिए। ठीक है, तो इतना हो गया। इतना करने के बाद एक लिपस्टिक, इसमें बस लिप्स कलर करना है, इनको लिप्स कलर करेंगे। तो देखेंगे यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ एक डुप्लीकेट लेयर बनाने वाला, वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ प्लस मिल जाएगा ऊपर, प्लस प्लस पर क्लिक करेंगे, एक लेयर बन जाएगा। और इस लेयर पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ लेयर है इस लेयर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल क्लिक करके यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। करने के बाद से यहाँ आप लोग कलर पे आ जाना है। कलर पाने के बाद से जो आपको कलर अच्छा लगे वो वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे पिंक अच्छा लगता है, पिंक अच्छा सेलेक्ट कर लिया। और ये वाला ब्रश ले लेना है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को ब्रश, ये वाला ब्रश ले लेना है। और सेटिंग देख सकते हैं, सेटिंग कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। और इसको जूम करके, जूम करने के काफ़ी अच्छे से, आराम आराम से, काफ़ी अच्छे से लिप्स को कलर कर देना है। लिप्स कलर हो गया है, और लिप्स कलर होने के बाद से इसको देखिए आपको बहुत गाढ़ा दिख रहा है, लिप्स बेकार दिख रहा है। तो यहाँ फिर से हम लोग को लेयर पर क्लिक करना है, और इस लेयर पर जो आपको लिप्स कलर दिख रहा है यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ ओपेसिटी दिखेगा आपको, ओपेसिटी, इस ओपेसिटी को देखिए कम बेसी करेंगे। तो देखिए कितना धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, कितना देखिए अच्छा हो रहा है। जितना आपको अच्छा लगे उतना आप रख सकते हैं, हमको इतना अच्छा लग रहा है इतना हम रख ले रहे हैं। बस हमें अब सेव कर लेना है फोटो को, इस अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे। जो स्मूथ किया हूँ मैं, इसको अब मैं ले चलूँगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट यहाँ दिख रहा है, यहाँ से पिक्सआर्ट में आप लोग मैं शेयर कर दिखा रहा हूँ अब।
यूके में अलाउ मांग रहा है, हम लोग अलाउ कर सकते हैं इसको। अब थोड़ा सर्च कर रहा है, हो गया हम लोग का फोटो। अब हम लोग का फोटो में देखेंगे, हम लोग का बाल थोड़ा उठा उठा बाल होगा इसका। तो देखिए हम लोग सिंपल यहाँ आएंगे, टूल्स पर आएंगे। टूल्स पर आने के बाद आपको स्ट्रेच मिल रहा है, एक स्ट्रेच स्ट्रेच यहाँ स्ट्रेच क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने हेयर को उठा देंगे। और धीरे धीरे उठाइएगा, इतना जल्दी जल्दी करेंगे तो बाल बिगड़ सकता है, धीरे धीरे कीजिएगा आप। मुझे तो वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। आप आराम आराम से करेंगे, जितना आराम से करेंगे उतना ही अच्छे से होगा। जो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, जो मैं थोड़ा सा और उठा दे रहा हूँ, कुछ और ही अच्छा रहेगा। आप लोग जितना पर उतना आप कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से डन कर सकते हैं। करने के बाद सब हम लोग देखे होंगे, हम लोग का बैकग्राउंड जो है, जो बैकग्राउंड है वो पिंक कलर का है। तो हम लोग पिंक का कलर करेंगे अपने बैकग्राउंड को। यहाँ से यहाँ आप लोग को दिखा होगा एक एफएक्स दिख रहा है, आप एफएक्स क्लिक करेंगे और इधर आपको दिखेगा एक कलर्स, यहाँ दिख रहा है कलर्स, कलर्स क्लिक करके। और यहाँ एक लड़की दिख रही है, कलर रिप्लेस क्लिक करेंगे और यहाँ एक आ जाएगा प्लस की तरह, उस पर क्लिक करके अपने बैकग्राउंड पर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसको जिस तरह करेंगे, जिस कलर में चाहेंगे उस कलर में आप कर सकते हैं। मुझे पिंक करना है, देखिए मैं पिंक कर दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिंक हो गया हमारा बैकग्राउंड, देख लीजिए कितना आसान है। हम पिंक हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारे आई जो है, आईज कलर है, जो जो आँख का आईज बॉल है, जो वो ब्लू कलर में है। तो ब्लू कलर करने के लिए आप लोग रिटच दिख रहा होगा, रिटच यहाँ आपको दिखा दे रहा है बराबर, रिटच इस पर क्लिक करेंगे और इधर आएंगे, यहाँ दिखा होगा आपको आईज कलर दिख रहा है आपको, यहाँ आईज कलर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप लोग को दो गोला गोला तरह मिल जाएगा, यहाँ इसको अपने आईज के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको भी सिलेक्ट कर दे रहे हैं, आराम आराम से सेलेक्ट कीजिएगा, एकदम बराबर एकदम फिक्स बैठाइएगा। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ ए बिगड़ गया क्या यार, सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से आप लोग डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद से आप लोगों को देख लीजिएगा, अपने आईज पर क्लिक करेंगे, ज़्यादा इतना ज़्यादा आप लोगों को एक आईज कलर मिल जाएगा, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं, जिस कलर आप चाहें उस कलर कर सकते हैं अपने आईज को। यहाँ से हम लोग ब्लू लगाना है तो ब्लू कलर में करेंगे, बढ़ाएंगे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो हम लोग ब्लू कलर कर रहे हैं। और यहाँ देखिए आप ऊपर इरेजर मिल जाएगा, इरेजर पर क्लिक कर देंगे यहाँ इरेजर, और यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे। यहाँ देखिए इन्वर्ट दिख रहा है, इन्वर्ट यहाँ दिख रहा है, इन्वर्ट यहाँ क्लिक करेंगे, आपका आईज बॉल हट गया और हार्डनेस को थोड़ा कम करके और अपने आईज बॉल पर ड्रॉ करेंगे तो आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कर लीजिएगा। अब हम डन कर लेंगे, जो कि हम लोग का आईज बॉल चेंज हो गया। अब सिंपली इस फोटो को हमें अब सेव करना है, तो यहाँ आएंगे सेव करने के लिए, यहाँ दिख आपको दिख रहा है ड्रॉ, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर थ्री डॉट दिख रहा है ऊपर, वहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ सेव इमेज दिख रहा है, सेव इमेज करके अपने फ़ोटो को सेव कर लेंगे अपने फ़ोन में। फ़ोटो सेव करने के बाद अब हम लोग अपने फ़ोटो को लेकर चलेंगे फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन में, जो कि देखिए अपने चेहरा उतना अच्छा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फिर से हम लोग अब इसको लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करेंगे। फिर से हम कर दे रहे हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में, जो कि दो बार शेयर करना पड़ता है, पहले एक बार में होता था, अब दो बार में हो रहा है। यहाँ से अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में चले जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वो इस लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर हो चुका है। अब आप लोग का एक प्रीसेट दे दूँगा, जो ये प्रीसेट है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मेरे भाई हैं उनको ज़्यादा मेहनत ना पड़े एडिटिंग करने में, इसलिए मैं जो भी एडिटिंग करता हूँ उसका प्रीसेट बना देता हूँ कि आपको मेहनत ना करना पड़े, आसानी से कर लें। थ्री डॉट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी सेटिंग इसका कर लेंगे और फिर से जा कर के जो फोटो एड किए थे उस फोटो पर क्लिक करके और इसको पेस्ट सेटिंग कर देंगे। जो देख रहे हैं एडिटिंग हो गया है और हम लोग का चेहरा देखिए थोड़ा थोड़ा रेड येलो टोन हो गया है, इसको ठीक कर देंगे यहाँ से। आप लोग का भी हो जाए तो यहाँ से कर लीजिएगा, ब्लैक जो दिख रहा है ब्लैक ये ब्लैक है, इस ब्लैक को कम कर दीजिएगा, एकदम जीरो कर दीजिएगा, जीरो कर देंगे इसको तो भी अच्छा हो जाएगा। और वाइट है इसको कम कर दीजिएगा, ये नहीं इसको रहने दीजिएगा, और ये हाईलाइट है इसको कम कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर था ये कलर में, कलर में आने के बाद से यहाँ जो ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर का टोन है जो ये वाला, सेलेक्ट करेंगे इसको और इसको यहाँ से कुछ इस ना कर देंगे, प्लस सिचुएशन कुछ माइनस कर देंगे, देख लीजिएगा अच्छा सा हमारा हो गया, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा दिख रहा है। और अपने फ़ोटो को आप लोगों को इस अच्छा क्वालिटी देना चाहते हैं तो रिमेनी एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा, वहाँ से रिमेनी एचडी कर देगा आपको फ़ोटो को, वहाँ सेव कर लीजिएगा।